ऑलरेडी 3 मराहिल इसके मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान बहुत ही इश्तियाल अंगेज तकारीर नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनके जानिब से और गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह जी की जानिब से जो भड़काऊ भाषण और हिंदू मुस्लिम और एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच जो नफ़रत की तकारीर उन्होंने की है, मैं सख्ती के साथ इनकी तकारीर की मजम्मत करता हूं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और ख़ासकर सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन से अपील करता हूं कि वो सख्त से सख्त इस पर नोट लें और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ से मैं ख़ासकर गुजारिश करता हूं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रुजू हों और सुप्रीम कोर्ट में इस नमूने की जो तकारीर की गई हैं और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के दौरान एक रूलिंग भी दी है, इसका क्लियर उन्होंने इसका वायलेशन किया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन दाखिल करें। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी का तक भी ख्याल नहीं किया। पूरे वर्ल्ड में जो प्रधानमंत्री की जो चेयर है उसको बड़ी इज्जत से देखा जाता है, आज उस चेयर की उन्होंने कोई इज्जत नहीं रखी, उस इज्जत की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। जिस तरीके से राजस्थान में उन्होंने जो तकरीर की और कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो नज़र आ रहा है, और उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि हिंदुस्तान के जो तमाम जो मुसलमान हैं ये घुसपैठिए हैं, हम इनको कैसा सबक सिखाना है, जैसी गैर अहम और गैर जुम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर कर्नाटक की जो सरकार जो ओबीसी में मुस्लिम को जो हमेशा से 20-25 सालों से रिजर्वेशन देती आई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका रिकमेंडेशन सिर्फ रिकमेंडेशन किया है, तो उसको उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सरकार यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को यानी उनका हक छीन करके मुसलमानों को दे रही है, ये भी सरासर गलत है। मैं इनकी भी इस बात को कंडम करता हूँ। और आज उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद और वो जिहाद हम सुनते थे, आज वोटर जिहाद के नाम पर यहाँ पर हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस और मुसलमानों की जानिब से काम चल रहा है, ये भी बेबुनियाद इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं, इसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। हालांकि इस नमूने की भाषा एक प्रधानमंत्री को देना शोभा नहीं देता, पूरा एक निचले दर्जे की जो थर्ड क्लास जो स्पीच है वो यहाँ पर उन्होंने दी है, जिससे जाहिर होता है कि इनके दिल में और जहन में क्या साजिश मुसलमानों के ख़िलाफ़ पनप रही है। तो मैं चाहूँगा ना सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बल्कि जो स्टेट की जो माइनॉरिटी कमीशन है वो भी एक नोटिस वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को इशू करें और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से भी वो कंप्लेंट करें। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज पूरे जो सेकुलर जमातें हैं जो पार्टीज़ हैं रीजनल पार्टीज़ हैं सब मिलकर के आज जो 10 साल जो कारकर्दगी है नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी की जो सरकार है किस तरीके से आवाम मुखालिफ पॉलिसियों को लेकर के और जो ख़ास करके अखिलियतों के साथ उन्होंने जो अमेंडमेंट्स लाए और जिस तरीके से उनको सताने के जो कामें किए हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, बाबरी मस्जिद का केस हो, जो NRC हो, CAA हो, ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल मुसलमानों को पूरे मुल्क में आइसोलेट करने की उन्होंने कोशिश की है 10 सालों में, और आगे चलकर भी इन्होंने अपना जो इरादा था, इनकी जो साजिशें थीं, इनका जो एजेंडा था, आज नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी ने ये इलेक्शन की तकारीर में उन्होंने जाहिर किया है। तो लिहाजा मैं तमाम जो हिंदुस्तान के जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं
और जो दस्तूर पर यकीन रखते हैं, संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर जो यकीन रखते हैं, उनसे और ख़ासकर अखिलतों से, मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि 7 तारीख के दिन यहां पर कर्नाटक में और गुलबर्गे में भी यहां पोलिंग हो रही है। ना सिर्फ आप अपने वोट की फ़िक्र करें, बल्कि अपने ख़ानदान में कौन वोट नहीं डाला, कौन बाहर चला गया है और कहाँ घर शिफ्ट होकर गए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर आप यहाँ पर वोट जो है ना डालने की, 100% वोट डालने की आप कोशिश करें, ताकि ये इनकी जो अजायम हैं, इनका जो आने वाले जो हालात हैं, जो जिस तरीके से ये बतला रहे हैं, इनको रोका जा सके। और ये इलेक्शन बहुत ही अहम इलेक्शन है, जैसा कि हमारे जो दानिश्वरान हैं, उलमा इकराम हैं, हमारे जो सरपरस्त हैं, उनके जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये बहुत इलेक्शन अहम है, इस पर वोट हम देना बहुत ज़रूरी और लाजमी है। तो मैं यहाँ पर गुलबर्गे में, यहाँ पर जो राधा कृष्णा जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके हक़ में आपको वोट डालने की मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं। हमको ये अब ये पार्टी वो पार्टी हमको नहीं बुलाए, हमको बात नहीं किए, हमको इज्जत नहीं दिया, वो देखने का वक्त नहीं है। हमको बहुत ही एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से आगे निकल करके जो है ना 7 तारीख को यहाँ पर कर्नाटक में डायरेक्ट फाइट है बीजेपी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के हक़ में आपको सुबह के अव्वलिन सातों में जाकर वोट डालना है और अपने साथ जो जो भी लोग वोट नहीं किए हैं उनको भी वोट दिलाने की तरगीब करें। और उसी के साथ जहाँ जहाँ भी दूसरी रियासतों में आने वाले जो फेसेस में इलेक्शन हैं, वहाँ के भी मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो भी आप बिल्कुल कोशिश करते हुए आगे बढ़ कर के तमाम रियासतों में यंडे अलाइंस जो गठबंधन बना है, जो सभी तमाम सेकुलर पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं बीजेपी को शिकस्त देने के लिए, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। फिर यह मौका कभी नहीं मिलेगा अगर हमने इस मरतबा बीजेपी को शिकस्त नहीं दी, तो याद रखिए हम फिर कभी भी हम बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकते। तो लिहाजा यहाँ पर गुलबर्गे से हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यानी राधा कृष्णा जी को वोट दे करके उन तमाम जो तकारीर जो इश्तियाल अंगेज और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो बयान दिए हैं, उसका हम मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर 7 तारीख के दिन कांग्रेस के निशान पर, हाथ के निशान पर, 2 नंबर पर बटन पर बटन दबा करके हम इसको, इनका भरपूर मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।